जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का पिता तो हमने कहता था। ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत ऐसा कहने की, हो सकता है बचपन में इस योजना का पिता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता पिता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। ...2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है, यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाणसागर परियोजना का लोकार्पण किया, कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया, इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है।